तो वैसे गाइस आप सभी लोग अपने इंग्लिश का कोर्स चालू करने वाले, ठीक है ना, जिसके अंदर अपने सबसे पहला चैप्टर आता है गाइस और बुक अपने करने वाले सबसे पहले तो फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है ना, 10th की बुक है और इसके अंदर जो अपना पहला चैप्टर है गाइस लेटर टू गॉड, ठीक है, कहां गया अपना, हां गया, और लेटर टू गॉड गाइस मस्ट चैप्टर गाइस, बिंदास होकर सुनना, ठीक है, लेटर टू किसको गाइस, गॉड गाइस, गॉड भगवान अल्लाह जो भी आप बोलते हो, लेटर किसको लिखा जा रहा है भाई, गॉड को। मैं सोच सकते हो यार स्टोरी कितनी क्रेजी होने वाली, ठीक है, लेटर लिख किसको रहा है गाइस, गॉड को, भगवान को, मजा क्या भाई, गॉड का ना इसको एड्रेस पता है, लेकिन एक चीज नहीं समझे भाई, इसको ऐसी जरूरत क्या पड़ गई भाई, ये जो बंदा लिख रहा है ना, ये जो बंदा लिख रहा है इसको जरूरत क्या पड़ गई भाई, जरूरत क्या पड़ गई कि ये भगवान को लेटर लिख रहा है, बस समझ रहे हो क्या होता है, क्रेजी है, ठीक है। अब ये जो बंदा है ना इसके बारे में अपने पढ़ने वाले, ठीक है, इस बंदे का नाम है गाइस लेंचो, अब ये सही प्रोनाउंस किया लेंचो ये इसका नाम, ठीक है, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है लेंचो। अब मैं लाइफस्टाइल बताने वाला, लेंचो है कौन इसके अंदर, तो लेंचो इसके अंदर है एक फार्मर, ठीक है, नॉर्मल फार्मर। अब ये बंदा फार्मर है, फार्म किस चीज का है वो भी बता दो, फार्म है अपने पास में इसका स्वीट कॉर्न का, जिसको अपने बोलते हैं भुट्टा, स्वीट कॉर्न, मक्की के दाने जो आप खाते हो गाइस, खाते हो स्टॉलों पे खड़े होके खाते हो, जब गाड़े लगते हैं तब आप उधर खाते हो, वही चीज स्वीट कॉर्न, ठीक है। अब फार्मर की बेसिक नीड्स के ऊपर चलते हैं एक बार, ये ना चैप्टर के रिलेटेड ही है, आगे आपको बताया लगेगा। सबसे पहले तो इसको चाहिए होती है प्रॉपर वाटर सप्लाई, क्या चाहिए होती है इसको, प्रॉपर वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई चाहिए अभी भाई फार्मर राजी रहेगा, और इसको चाहिए होती है सनलाइट, वो बकवास, अपने को मेन काम था वाटर सप्लाई का, ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए अपने इंडिया की है भाई स्टोरी, साफ सीधी बात है, तो इंडिया वाले जितने भी अपने होते हैं ना फार्मर, वो ऑलमोस्ट डिपेंड होते हैं गाइस रेन में, रेन, बारिश। भाई देखो मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी ना ये बहुत ज्यादा खराब है तो जज मत करना, हाँ लेकिन इंग्लिश तुम्हारे भाई की ठीक है, तभी तुम्हें रेन के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि बारिश के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब है ना अपने जो अपना लेंचो है इसका घर कहाँ पे है वो बता दो, तो इसका घर है एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ऊपर वाली साइड में। अब है ना क्या होता है, इवनिंग का समय होता है, शाम का समय होता है भाई, बंदा सो रखा है, बंदा सोच रहा है कि यार बादल आएंगे, उसी टाइम थोड़े टाइम के बाद में नॉर्थ ईस्ट, याद रखना गाइस नॉर्थ ईस्ट, जब आप पेपरों के अंदर लिखे होगे ना भाई, जो आपको वो है ना टीचर जो आपकी चेक कर रहा है वो कॉपी, उसको बहुत पसंद आएगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्या आएगा गाइस, ब्लैक क्लाउड, क्या है, ब्लैक क्लाउड काले बादल, ठीक है। अभी जब काले बादल है ना फार्म की तरफ में बढ़ रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, जब ये फार्म के अंदर बढ़े जा रहे थे आराम से बढ़े जा रहे थे। अब है ना लेंचो का भाई खुशी का कोई ठिकाना नहीं, बहुत ज्यादा खुश हुआ बंदा, क्यों भाई, बारिश होगी, मजे प्रॉफिट, भाई कौन कहता भाई किसान भाई गरीब होते हैं भाई, बंदे बहुत अमीर होते हैं, लेकिन अपना लेंचो है ना फाइनेंशियली भाई कमजोर था। तो हुआ क्या कि नॉर्थ ईस्ट तरफ से जब ब्लैक क्लाउड आ रहे थे, काले बादल आ रहे थे, उसके बीच में क्या हुआ, धीरे धीरे ना ड्रॉप्स गिरने लगी है भाई, बारिश आ गई, ठीक है। अब एक मिनट इसको मिटा देता हूँ फिर आपको है ना आगे बता देता हूँ भाई, बहुत प्यारी स्टोरी है, पूरी की पूरी वीडियो देखना है, बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ इसके बाद में आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, इतना आप मेरे से लिखा के ले लो। हाँ तो अब क्या था, बारिश होने लग जाती है भाई, बारिश होती है ना, तो बारिश की है ना कुछ स्मॉल ड्रॉप्स होती है और कुछ बिग ड्रॉप्स होती है, ठीक है, कुछ होती है स्मॉल ड्रॉप्स, कुछ होती है बिग ड्रॉप्स, छोटी बूंद बड़ी बूंद,
जो छोटी बूंद होती है ना उसको अपना लेंचवाई करता होता है 5 सेंट्स से कंपेरिजन, ठीक है 5 सेंट्स, और बड़ी ड्रॉप को करता है 10 सेंट्स। अब भाई जब बारिश आती है ना लेंचो के घर वाले स्पेशली लेंचो के बच्चे जब बारिश होती है ना तो वो अपने घर से क्या भाई भाई ड्राइंग भी अच्छी है लेकिन अभी मैं फटाफट सुना रहा हूँ डोंट जज मी, घर से भाई इसके बच्चे आ जाते बाहर खेलने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है जो ये वाली जो रेन होती है ना गाइस, ये रेन कर देती है गाइस पंगा, रेन बन जाती है विलन, रेन विलन बन जाती है। विलन कैसे बन जाती है वो भी बताता हूँ। रेन आना धीरे 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 करके आना हेल स्ट्रॉन्ग, हेल स्ट्रॉन्ग, हेल स्ट्रॉन्ग की तरफ में ये तब्दील हो जाती है, उजागर हो जाती है, मतलब जस्ट लाइक है ना हेल स्ट्रॉन्ग की तरफ में बढ़ चुकी है रेन। अब होती है बर्फबारी, पहले तो नॉर्मल नॉर्मल छोटी 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 बर्फ आ रही होती तब है ना लेंचो के दिमाग लेंचो के दिमाग में है ना टेंशन से चलने लग जाती है कि भाई अब क्या होगा। अब होता क्या है जो इसके बच्चे बाहर आते होते ना वो ना स्नो पर्ल्स यानी कि जो अपने होते हैं ना छोटी 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 जो अपने आते होते स्नोफॉल होती है उनको अपने हाथों में लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो होता क्या है धीरे 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 ना वो जो होती है ना स्नोफॉल होती है पहले तो, उसके बाद में हेल स्ट्रॉम के बीच में तब्दील हो जाती है। और जब हेल स्ट्रॉम होता है बर्फबारी तेज होती है तो जब अपना लेंचो होता है ना अपना लेंचो घर के अंदर चला जाता है लेकिन अब अपने लेंचो के दिमाग के अंदर टेंशन रहती है और अब वो क्या करता है घर के अंदर जाता है भाई सो नहीं पाता बेचारा। लेकिन जब वो सुबह उठता है और सुबह उठ के अपने घर का दरवाजा खोलता है तो जो उसका ये पूरा खेत है ना खेत पूरा का पूरा ना ऐसा लग रहा है जैसे ना अपने व्हाइट सॉल्ट से कवर है। सॉल्ट यहाँ पे जो ये अपना सॉल्ट है सॉल्ट ये अपने स्नो को डिनोट कर रहा है याद रखना, जो अपने है ना ये सॉल्ट स्नो को डिनोट कर रहा है याद रखना। तो होता क्या अब इसके बाद में जो इसकी ये होते ना अपने क्या नाम है यार मक्की के दाने को क्या बोलते हैं स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न ठीक है ये पूरी की पूरी क्रॉप डैमेज भाई बंदे का भाई नुकसान हो जाता भारी नुकसान। सोच के देखो भाई लेंचो पहले से फाइनेंशियल से कमजोर था ठीक है उसके बाद में अचानक से ये वाला पंगा। अब भाई लेंचो को किसी बंदे पे भरोसा नहीं लेकिन लेंचो को एक चीज याद आती है फटाफट से चैप्टर का नाम क्या है लेटर टू गॉड। लेटर किसने लिखा था इस लेंचो ने किसको लिखा था गॉड को। अब आता है क्लाइमेक्स वाला सीन लेंचो को गॉड के तरह बिल्कुल फेथ भरोसा था कहता तो भाई इस साल भूखे तो अपने मरने नहीं वाले क्यों भगवान हर जगह है अन्याय को भगवान खत्म करता है ठीक है अन्याय को भगवान खत्म करता है कभी भी भगवान किसी जने को भूखा नहीं सोने देता। तो ये है ना अपना लेंचो भाई गॉड को लेटर लिखता है लिखता क्या वो भी बताता हूं गॉड को ये लेटर लिखता होता है लेटर लिखने वाला होता तो वो एक और चीज बताता है लेटर लिखने से पहले ठीक है ना बाद में नहीं कि जब अपने ना यहाँ पे जो मतलब खेत वगैरह होता है ना खेत वगैरह जैसे जस्ट लाइक ना ये पूरा का पूरा भर चुका है व्हाइट सॉल्ट से ठीक है सॉल्ट मैंने आपको बता दिया स्नो को डिनोट कर देंगे हाँ तो जो इसके अंदर अपने होते ना क्रॉप उसको खराब कौन करते स्नो लेकिन है ना जस्ट लाइक ना अपना लेंचो बताता होता है कि है ना जो टिड्डे होते हैं टिड्डे यानी कि आप समझ जाते हो तो भाई जिनके खेत वगैरह वो अच्छे से समझते हैं कि टिड्डे अगर आते हैं ना अटैक करते हैं तो वो कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं भाई जिनको बेच के बंदा वापस अपना रेवेन्यू ले सकता है। लेकिन यहाँ पे इसकी पूरी पूरी क्रॉप डैमेज हो जाती है इसके कारण हमारा लेंचो लेटर को मतलब लेटर लिखता है गॉड को गॉड से भी क्या मांगता है भाई इसकी डिमांड देख लेते हैं डिमांड क्या मांग रहा है ये 100 पैसोस 100 पैसो मांग रहा है इस भगवान से
मांग क्यों रहा है वो भी बता देता, क्योंकि भाई बंदे के यार सारी सेल्फ ड्रॉप डैमेज हो जाते हैं भाई। अब सिंपल सी बात है भाई, बंदा करेगा ठीक है। अब आगे क्या होता है, जो 100 पैसेज होते हैं ना, लेंचो है ना गांव के अंदर रहता है, सबसे पहली बात विलेज के अंदर रहता है, तो ये सबसे पहले जाता है अपनी सिटी के अंदर। सिटी के अंदर जाके अपने पोस्ट ऑफिस जो अपना डाक खाना होता है वहां पे है ना, एक वो था पोस्ट, वो क्या कहते हैं अपने उसको, लेटर बॉक्स, ठीक है लेटर बॉक्स, वहां पे जाके ये बंदा पोस्ट कर देता है। अब क्या होता है, जो पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन जो होता है वो लेटर पढ़ता है भाई, खोलता है सार में। वो सबसे पहले पढ़ता क्यों वो भी बता देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले ना उसने जो वो देखता है ना वो क्या कहते हैं अपने उसका मेल, तो उसके नीचे ना भाई टू गॉड, टू गॉड भगवान को भाई मजाक है, बंदे ने मांगा कि वो बढ़ते हैं 100 पैसेज मांगे गाइस। ये बात वो हंसते हंसते ना जो पोस्ट मास्टर होता है यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो ओनर होता है उसको दिखाता है भाई, पोस्ट ओनर को दिखाता है। अब पोस्ट ओनर है ना गाइस बहुत ज्यादा ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, जॉयफुल नेचर और जॉली नेचर जस्ट लाइक, और दूसरा आ जाता है अपने इसके अंदर हेल्पफुल बंदा, बहुत ज्यादा मदद करता था, काइंडनेस थी बंदे के अंदर, दयालु बंदा था। तो अब वो है ना एक बार तो लेटर पढ़ के भाई हंसने लग जाता है, हाँ हाँ ये क्या है भाई, ये मतलब गॉड से पैसा मांग रहा है, ना एड्रेस पता ना कुछ पता, अत्ता पता ला पता भाई मजाक है। तो वो है ना पता क्या करता है उसके अंदर है ना हेल्पफुल काइंडनेस वाली भावना थी भाई, बंदा समझ सकता था लेंचो का सर। तो उसने क्या किया, जितने भी अपने स्टाफ वाले बंदे थे सभी को बोला भाई कुछ कुछ कॉन्टर कर दो लेंचो के, भाई थोड़ी सी मदद हो जाएगी यार, अपलिफ्ट करते हैं उसको, बहुत ज्यादा वो नीचे गिरा हुआ है। और यही करते 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 उन्होंने ना मांगे कितने थे, 100 पैसेज मांगे थे, लेकिन 70 पैसेज ही इकट्ठे हुए, कितने केवल और केवल 70 पैसों। अब भाई 70 पैसों है ना भाई, इस बंदे बना कहाँ गया अपना लंच, लंच का ना बहुत ही पूरा फेथफुल भाई, पूरा ट्रस्ट था वो, ठीक है। अब क्या होता है, लंच है ना अगली ही सुबह वापस से जाता है काम पे लेटर बॉक्स पे, लेकिन उस टाइम पे जो अपना पोस्ट मैन था वो लेटर डाल ही रहा होता है, उतने टाइम में लंच आके पूछते मेरा लेटर आ गया, मेरा लेटर आ गया, वो कहता हाँ भाई आ गया लेटर, वो लेटर के ना रिप्लाई नहीं देखता, जो अपने पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर जो भी ओनर था उसने मैसेज लिखा था इसके लिए, वो नहीं देखता, अपन ना फेंक देता है, पैसे गिनता है फटाफट से। तो पैसे निकलते हैं अपने 70, एक बार पैसे बोल रहा हूँ ठीक है ना, आप पैसे कर लेंगे 70 पैसे निकलते हैं। बंदे का दिमाग हिल जाता, बंदा भगवान से विश्वास उठ गया उसका, गुस्सा हो गया भयंकर वाला, फटाफट से जाता है फिर पोस्ट ऑफिस से लेता है लेटर, लेटर यानी कि पन्ना लेता है ठीक है, पन्ने के ऊपर गॉड को लिखता है, भगवान आपसे कैसे गलती हो सकती है, मैंने आपको 100 पैसे भेजे, मतलब भेजने के लिए बोले थे, आपने 70 पैसे भेजे, बस बाकी पैसों है ना आप मेरे को है ना जस्ट लाइक मेल के थ्रू भेजना, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो बचे हुए लेफ्ट भाई देखो कैलकुलेशन है नॉर्मल 30 पैसों बचते हैं, जो 30 पैसों थे वो जो पोस्ट ऑफिस वाले के मेंबर्स है स्टाफ है उन्होंने खा लिए भाई, डकार मार लिए भाई, डकार मार लिया भाई, खा गए पैसे, गया बाय बाय टाटा, ठीक है। अब क्या होता है, जो अपना लंच होता है ना वो ये लिख के ना उसके, जब वो ये लेटर लिख रहा होता ना भाई उसको लगातार पैर हिल रहा होता, जैसे अपना ये करते होते पैर हिलता, पैर को शेक करता है वो, ठीक है, उसकी आईब्रोज ऊपर नीचे हो रही थी, बंदा बहुत ज्यादा सीरियस में था, भगवान से कैसी गलती हो गई यार, ठीक है। तो है ना वो है ना लास्ट में, ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो एक जो पोस्ट ऑफिस थे, पोस्ट ऑफिस वाले जो थे उनको बोल देता बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि चोर, चोर कैसे कोरे चोर, भाई मेरे को भगवान ने 100 पैसे भेजे थे, भेजे मेरे को 70, 30 पैसे कौन का गया,
पोस्ट ऑफिस वाले स्टाफ के मेंबर। तो यही थी अपनी पूरी की पूरी स्टोरी, अ लेटर टू गॉड। भाई मतलब सोच के देखो भाई, लंचो को कितना ज्यादा भगवान के भरोसा है भाई। तो देखिए गाइस, यही थी स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।